राजौरी पुंछ सेक्टर के सूरनकोट में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि आतंकी अपने आकाओं और स्थानीय मददगारों से संपर्क ना साध सके। जंगल में छिपे हुए आतंकियों ने सेना पर किस तरह से यहां पर हमला कर दिया था हमने आपको दिखाया, और कैसे अभी फिलहाल सेना ने उन्हें घेरा है, कैसे उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी टीम जो है वो वहां पर लगातार मौजूद है, वहां पर सिक्योरिटी टाइट की गई है। सर्वेलांस गैजेट्स जो है उनका इस्तेमाल वहां किया जा रहा है, ड्रोन से सर्वेलांस की जा रही है। उसी के साथ साथ में स्निफर डॉग्स वहां मौजूद है, एरियल सर्वेलांस किया जा रहा है और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की निगरानी बेहतर तरीके से यहां पर की जा रही है। और सेना के काफिले को आतंकियों ने साजिश के तहत किस खतरनाक मोड़ पर निशाना बनाया है वो भी समझना आपके लिए जरूरी है। मैप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यहां पर कैसे इस मोड़ पर डेरा की गली जो है वो फलियाल, ये पूरा का पूरा वो इलाका है सूरनकोट थाना वहां पर पड़ता है, और अटैक पॉइंट जो है वो धतियार मोड़ था, ये वाला एरिया बताया जाता है। आप ये पूरा एरिया एक बार देखिए, जरा आप देख पाएंगे यहाँ पर कई किलोमीटर दूर तक बिल्कुल भी रिहाइश नहीं थी, रहने वाले लोग नहीं थे। ऐसी जगह को निशाना यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर चुना गया था जहां पर रास्ता पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है और जो पूरे काफिला वहां से गुजरेगा, जो वाहन होंगे उनकी गति इस पूरे के पूरे एरिया में धीमी हो जाती, उस वाले एरिया को चुना गया था। रेकी कर बाकायदा इस पूरे की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और ऐसी जगह चुनी जाती है जो रिहायशी इलाके से इतनी दूर है कि आप हमला कर देंगे, यहां पर हादसा हो जाएगा, दुर्घटना होगी, यहां तक पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त जो है वो लग जाएगा।